15 अप्रैल 1912, वो दिन जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक, जिसे उस दौर में अनसिंकेबल यानी न डूबने वाला माना जाता था, वह अपनी पहली यात्रा के महज 5वें दिन ही एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक महासागर की तलहटी में डूब जाता है। डूबता हुआ टाइटैनिक अपने पीछे कई ऐसे सवाल भी छोड़ जाता है जो किसी भी इंसान की होश उड़ा देंगे, जैसे कि जो व्हाइट स्टार लाइनर जहाज डूब गया था, क्या वह वास्तव में टाइटैनिक ही था, क्या टाइटैनिक को जानबूझकर डुबाया गया था, और क्या कारण थे कि जहाज दो टुकड़ों में टूट गया, और क्या टाइटैनिक डूबते समय अधिकारियों ने वास्तव में लोगों को गोली मार दी थी, और ना जाने ऐसे ही कितने और सवाल। इस वीडियो में आप टाइटैनिक से जुड़े 15 ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर देंगे, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 15, हम सभी जानते हैं कि 10 अप्रैल 1912 को एक लग्जरी व्हाइट स्टार लाइन जहाज अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ और 5 दिन बाद वह अटलांटिक महासागर में डूब गया। लेकिन वहीं कई खबरों के अनुसार जो जहाज डूब गया था वह टाइटैनिक नहीं था, बल्कि लगभग समान आकार वाला आरएमएस ओलंपिक था। थ्योरीज के अनुसार ओलंपिक 1 साल पहले एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन जहाज के मालिक जेपी मॉर्गन ने एक बड़ा बीमा भुगतान यानी इंश्योरेंस पाने के लिए ओलंपिक को टाइटैनिक के रूप में पेश किया और फिर जानबूझकर इसे डुबा दिया। हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जहाज के जो हिस्से नहीं डूबे थे उन पर पाए गए सीरियल नंबर इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। वैसे इसके बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 14, टाइटैनिक डूबने के समय सभी ने सोचा था कि जहाज न्यूफाउंडलैंड के तट के पास बर्फीले पानी में लापरवाही से तेज गति से चलते हुए हिमखंड से टकराकर सही सलामत डूब गया था। लेकिन 1 सितंबर 1985 को समुद्र विज्ञानी रॉबर्ट बेलार्ड ने समुद्र की सतह से 2.5 मील्स नीचे कुछ मलबे को खोज निकाला, जिसके साथ ही एक आश्चर्यजनक खबर मिली कि डूबने से पहले टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया था। रॉबर्ट बेलार्ड की खोज ने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, जिसके अनुसार जहाज का 2 हिस्सों में टूट जाना डिजाइन की खामियों और मालिकों या बिल्डर्स द्वारा गुणवत्ता सामग्री पर की जाने वाली कंजूसी का परिणाम था। नंबर 13, कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक ने क्षतिग्रस्त ओलंपिक फाइनेंसर जेपी मॉर्गन की जगह ली थी, जो उस कंपनी के मालिकों में से एक थे जिनके पास ये दोनों जहाज थे। मॉर्गन उस समय पृथ्वी पर सबसे अमीर लोगों में से एक थे और उनके पास काफी शक्ति भी थी। टाइटैनिक की यात्रा के लिए जेपी मॉर्गन और उनके परिवार के भी टिकट्स बुक थे, लेकिन जहाज रवाना होने के समय वे उस पर सवार नहीं हुए, जिससे ये शक और गहरा जाता है कि क्या कारण थे कि जेपी मॉर्गन और उनका परिवार जहाज पर नहीं गया। क्या उसे पता था कि क्या होने वाला है और क्या उसने इसकी योजना बनाई थी। नंबर 12, कुछ लोगों का मानना है कि जहाज डूबने का इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह करोड़पति जेपी मॉर्गन द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों जैकब एस्टर, एसिडोर स्ट्रास और बेंजामिन गुगेनहाइमर को मारने की एक योजना थी, जिसमें ये सभी जहाज पर ही मारे गए। हालांकि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। नंबर 11, 21 जनवरी 2017 को इसमें सोनियन चैनल पर प्रसारित होने वाली एक डॉक्यूमेंट्री टाइटैनिक द न्यू एविडेंस में एक आयरिश पत्रकार सेनान मोलोनी ने एक तर्क दिया कि टाइटैनिक के विशाल कोयला बंकरों में से एक के अंदर अचानक आग लग गई थी, जिसके कारण जहाज के पतवार का एक महत्वपूर्ण खंड गंभीर रूप से कमजोर हो गया। डॉक्यूमेंट्री इस बात का सबूत पेश करती है कि टाइटैनिक के डूबने का एकमात्र कारण हिमखंड नहीं था, शायद बर्फ का तैरता हुआ खंड उस स्थान से टकराया हो जहाँ पतवार का हिस्सा कमजोर था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। नंबर 10, 14 अप्रैल 1912 की रात जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो वह लगभग अपनी पूरी गति से चल रहा था। टाइटैनिक की अधिकतम स्पीड
तेज समुद्री मील प्रति घंटे थी और टक्कर के समय उसकी गति 22.5 समुद्री मील प्रति घंटे थी, जो शीर्ष गति से महज 0.5 समुद्री मील कम थी। टाइटैनिक सर्वाइवर्स में से एक एलिजाबेथ लिंडस लाइंस बताती हैं कि जहाज का कप्तान इसमें टाइटैनिक के सहयोगी जहाज आरएमएस ओलंपिक द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता था, इसीलिए वह टाइटैनिक को इतनी अधिक गति से चला रहा था। लेकिन 2004 में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के एक इंजीनियर रॉबर्ट एच एसनहाई ने एक सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि टाइटैनिक के कैप्टन के तेज गति से चलने का असली कारण कोयले की आग को नियंत्रित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोयले को जलाना था। नंबर 9, जहां अधिकांश लोग यही मानते हैं कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि टाइटैनिक को एक जर्मन यूबोट द्वारा टॉरपीडो से उड़ाया गया था। यह सिद्धांत इस बात से और प्रबल हो जाता है कि 3 साल बाद 1915 में एक जर्मन यूबोट ने एक यात्री जहाज लुसिटानिया को डुबा दिया था, हालांकि इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। सिद्धांत के आलोचकों का कहना था कि जर्मन यूबोट के हमले के कारण आरएमएस लुसिटानिया महज 18 मिनट में ही डूब गया था, लेकिन टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन टाइटैनिक डूबते समय आसपास के क्षेत्र में कई जहाजों की मौजूदगी को देखते हुए इसे नकारा भी नहीं जा सकता। नंबर 8, माना जाता है कि टाइटैनिक एक शापित ममी के कारण डूब गया था। कहा जाता है कि यह ममी मिस्र की राजकुमारी की थी, जो 1900 के दशक में खुदाई में मिली थी और जिसने स्थानांतरित होने के बाद पूरे इंग्लैंड में तबाही के निशान छोड़े थे। हालांकि टाइटैनिक इंटरनेशनल सोसाइटी के चार्ल्स हास ने 1985 में जहाज के कार्गो मैनिफेस्ट को देखा और उन्हें उसमें कोई ममी नहीं मिली। दिलचस्प बात यह है कि वहां कच्चे पंख, हैटर के फर और खरगोश के बाल के भंडार थे, लेकिन कोई ममी नहीं थी। नंबर 7, जहां टाइटैनिक डूबा था वहां से करीब 19.5 मील की दूरी पर एक क्रूज लाइनर एसएस कैलिफोर्निया मौजूद था, जिसे टाइटैनिक ने खतरनाक बर्फीली परिस्थितियों के बारे में चेतावनी भेजी थी। लेकिन कहा जाता है कि कैलिफोर्निया चालक दल ने टाइटैनिक के संकट संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था, हालांकि उन्होंने बाद में दावा किया था कि उन्हें उन संकेतों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उनका रेडियो ऑपरेटर ड्यूटी से बाहर चला गया था। नंबर 6, कैलिफोर्निया शायद एकमात्र जहाज नहीं था जिसने टाइटैनिक के संकट संकेतों को नजरअंदाज किया था। एक नॉर्वेजियन जहाज सैमसन भी टाइटैनिक के आसपास ही रहा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि सैमसन कैलिफोर्निया की तुलना में टाइटैनिक से अधिक नजदीक था। द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार सैमसन न्यूफाउंडलैंड में अवैध रूप से सील का शिकार कर रहा था। पकड़े जाने के डर से और जहाज पर कोई रेडियो ना होने के कारण सैमसन ने टाइटैनिक के संकट सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस बात ने दशकों से टाइटैनिक के विद्वानों को भ्रमित कर रखा है। नंबर 5, एक कहानी कहती है कि टाइटैनिक जहाज की पतवार संख्या 390904 थी, जिसे अगर मिरर या फिर पीछे से पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है जैसे लिखा हो नो पो, जिसके कारण कैथोलिक कार्यकर्ता इस बात से बेहद भयभीत थे और इसीलिए उन्होंने शिपयार्ड पर ही टाइटैनिक में काफी तोड़फोड़ की और शायद इसी वजह से टाइटैनिक दुर्घटना का शिकार हो गया। नंबर 4, निश्चित रूप से यदि टाइटैनिक चालक दल के पास कोई दूरबीन रही होती तो शायद खतरे को पहले से ही भांप लिया जाता, लेकिन टाइटैनिक की दूरबीनें एक लॉकर में रखी थी। बीबीसी के अनुसार लॉकर की चाबी डेविड ब्लेयर नाम के एक निरीक्षण दल के सदस्य के पास थी, लेकिन अंतिम समय में वह स्टोरेज यूनिट की चाबी छोड़ना भूल गया, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे क्या वह भूल गया था या फिर उसने जानबूझकर इसे स्थानांतरित नहीं किया था, और किसी ने नेविगेशन की जांच के लिए सुरक्षा निरीक्षण क्यों नहीं किया, और ऐसे ही न जाने कितने और सवाल। नंबर 3, टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने टाइटैनिक सिंकिंग को लेकर एक बेहद अजीब सिद्धांत दिया था।
उन्होंने बताया कि एक दुर्लभ चंद्र घटना जो कि पिछले 1400 वर्षों में नहीं हुई थी, उसी ने ऐसी खतरनाक स्थितियां पैदा की थी जिससे जहाज डूब गया। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी 1912 को एक अजीब सुपर मून हुआ था जो असामान्य रूप से उच्च ज्वार का कारण बना, जिसने हिमखंड को ग्रीनलैंड ग्लेशियर से खींचकर अटलांटिक महासागर में छोड़ दिया, जो आगे चलकर टाइटैनिक दुर्घटना का कारण बना था। नंबर 2, टाइटैनिक दुर्घटना से बचे कुछ लोगों ने दावा किया कि अधिकारियों ने लाइफ बोट लोडिंग के दौरान परेशानी पैदा करने वाले कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। सबसे पहले यूजीन पैट्रिक डेली नाम के एक शख्स ने अपने बयान में बताया कि कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की, महिलाओं को धक्का दिया, भीड़ लगाई और उन्हें नीचे खींच लिया। उनमें से कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। मैंने 2 डागोस को गोली मारते हुए देखा और कुछ को अधिकारियों से सजा लेते हुए। इसके अलावा 19 अप्रैल 1912 को फ्रांस का एक यात्री जॉर्ज रिम्स अपनी पत्नी को लिखे गए पत्र में लिखता है कि जब आखिरी नाव जा रही थी, मैंने देखा कि एक अधिकारी ने रिवाल्वर से गोली चलाई और एक आदमी को मार डाला जो उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यही हेनरी स्टेंगल नाम के एक यात्री ने बताया कि मैं नाव पर लगभग आखिर तक था और मैंने किसी को गोली मारते हुए नहीं देखा। हालांकि इनमें से किसकी बात सच है और किसकी नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन यह बात सत्य है कि अधिकारियों के पास अग्न्यास्त्र मौजूद थे। अब उन्होंने इनका प्रयोग किया था या नहीं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। नंबर 1, history.com के एक नोट में कहा गया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहाज डूबने का कारण क्या था, अगर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स मौजूद होती तो शायद इतनी बड़ी जान माल का नुकसान नहीं होता। टाइटैनिक शिप बिल्डर्स के महाप्रबंधक अलेक्जेंडर कार्लिसली ने कथित तौर पर 64 लाइफ बोट की योजना प्रस्तुत की थी, जिसे बाद में घटाकर 32 कर दिया गया। 1910 में इसे और घटाया गया, जिसके चलते अलेक्जेंडर ने उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लाइफ बोट की कमी ये सवाल भी खड़ा करती है कि यदि डूबना केवल एक बीमा घोटाला होता तो लाइफ बोट इतनी कम क्यों थी, जिसके कारण यह हत्या की साजिश से अधिक मेल खाता प्रतीत होता है। खैर, जो भी हुआ हो, इन सब थियोरीज में कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और ना ही मैं इन बातों की पुष्टि करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।